बीती रात विकासपुरी पीवीआर पर हंगामे की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस मामले में कई लोग घायल हुए। अब आखिर ये पूरा मामला क्या था, आज की इस खबर में करेंगे खुलासा। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के विकासपुरी पीवीआर पर ही मौजूद हूँ और यहाँ से एक खबर सामने आई कि तकरीबन रात के 12:30 बजे यहाँ पर कुछ हंगामा होने लगा। कुछ लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ पर बवाल मच गया। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे पास आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, इसी जगह पर वो झगड़े की खबर सामने आई थी जहाँ पर ये बताया गया कि कुछ लोगों के बीच जो है किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। हालांकि वो बात क्या थी वो फिलहाल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि फायरिंग की सूचना भी मिली है, लेकिन अब तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि यहाँ पर फायरिंग हुई थी या नहीं। लेकिन आपको तस्वीरों में हम ज़रूर दिखाएंगे कि यहीं पर बताया जा रहा था कि लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है। आप सबसे पहले इन वीडियोज़ पर एक नज़र डाल लीजिए। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर ने बताया कि देर रात 12:30 बजे पीसीआर कॉल मिली थी। झगड़े के बारे में और भी बताया गया, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी पता चली, फायरिंग की बात भी सामने आई, लेकिन अब तक मौके से इस तरह का कुछ नहीं मिला। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर किसी के पास इस बात की कोई पुख्ता जानकारी है तो वो पुलिस के साथ साझा ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जाँच में जुट गई है और सारे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं जो हमारे पास भी हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब आपको एक और मैं बात बता दूं, यहाँ की हमने कई खबरें कवर की हैं, आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से देर रात में अवैध तरीके से शराब परोसी जाती है। यहाँ पर जो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, शराब परोसी जाती है। तो क्या एक ये रीज़न भी हो सकता है यहाँ पर इस तरह से देर रात में झगड़ा होने का? क्योंकि आपने देखा, हमने कई बार खबरें की हैं, स्टिंग किए हैं यहाँ के, और 2-3 बार जो कंप्लेंट की जाती है उसके बाद 2-3 दिन के लिए कार्रवाई हो जाती है, चीज़ों को बंद करवा दिया जाता है, लेकिन फिर धड़ल्ले से वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देर रात तक ये सारा खुला रहता है एरिया, यहाँ पर शराब परोसी जाती है और यहाँ पर अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है वो किया जाता है। इसकी कई बार खबरें हम कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस पर तब भी मूक नजर आता है। तो क्या एक ये बड़ा कारण हो सकता है यहाँ पर इस तरह से जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ये जो झगड़े की खबर सामने, और इससे पहले भी एक ऐसी खबर सामने आई थी जब यहाँ पर काफ़ी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी, और एक बार फिर से अब यहाँ पर बीती रात से ये मामला सामने आया। रात के 12:30 बजे यहाँ पर पूरा जो बवाल है वो काट दिया गया। आप देखिए वीडियोस में, आप देखिए एक बार फिर से, आपको स्क्रीन पर वो वीडियोस दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से इतने सारे लोग जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनके बीच ये झगड़ा हो रहा है, और किस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो क्या पुलिस इन पर अब कोई एक्शन लेगी, कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ वजह रही होगी, क्या होगा यहाँ पर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है, लगातार अतिक्रमण की खबरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार शराब परोसी जाती है, इसे भी हमने कई बार कवर किया है, लेकिन वही बात है कि कुछ दिन के लिए कार्रवाई हो जाती है। आप एक बार फिर से स्क्रीन पर इन वीडियोज़ को देखिए। मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।